अच्छा गाइस मित्रों से मैंने तो प्रभाव वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो खैर गाइस अभी मैं यूनिवर्सिटी आ चुका हूँ, तो अभी हमारी ये प्रोजेक्ट है जो मतलब आज सबमिट करवाने थे, फाइनल प्रोजेक्ट का प्रपोजल है वो सबमिट करवाने, और अभी बिया मेरा नीचे वेट कर रही है, मतलब बिया आ रही है, उसको मैंने ना उसकी फाइल फेंकनी है, बिया की फाइल है तो ये उसको नीचे फेंकनी है। तो देखिए आज का व्लॉग कैसा रहा था। चलो बिया फेंक दूं, ये मुझे लगता है इसके ऊपर फंस जाएगा। गया। क्या बोला था, कूड़े के डिब्बे में जाएगा वो पेपर। पेपर 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 है तुम लोगों का, जल्दी आना ऊपर, जल्दी आओ। खैर गाइस अभी उसको दे दिया और अब मैं जा रहा हूँ टीचर्स के पास, क्योंकि मैंने अपना फाइनल ये सबमिट करवाना है, उसने भी प्रिंट निकलवाने हैं, तो ये जमा करवा लूँ, तो मिलता हूँ इसके बाद। खैर फाइनली गाइस मैंने अपना प्रपोजल सबमिट करवा दिया, मतलब मेरा रूजर वेबो का था, तो अभी मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर वहाँ बैठूंगा, उतनी देर में बिया अपना काम करके आएगी, तो फिर मिलते हैं आपको बिया के साथ। गाइस बिया आ गई है, अस्सलाम वालेकुम। बिया की हालत फुल डेड हुई हुई है, भला क्यों, खुद बताओगी या मैं बताऊँ? अपनी तरफ से ना इतनी गर्मी में बाहर खड़ी होकर सन बाथ ले रही थी, तुम्हारे को तुक बनता है सन बाथ लेने पर, और गिर के भी आई है वहाँ पे, इसको चक्कर आया है, उठाया किसने था यार, मुझे बुला लिया होता। बड़ा हरामी हो रोजे की हालत है। अब ठीक हो यार? बेहतर हूँ, बट मेरे हाथों में से अभी भी हीट निकल रही है। लेकिन तुम्हें कहा किसने था कि तुम विटामिन सूरज लो? इसके लिए अल्लाह पूछेगा हमारे टीचर्स को। मेरी टीचर व्लॉग देखते हैं, सोच लो। मैम पकड़ लेना इसको, देख लेंगे क्या कह रही है, अल्लाह पूछेगा। मैम आपका काम करते करते मुझे चक्कर आ गया है रोजी की हालत में, थोड़ा तर्स खा लेते हैं, आपको पसंद ही नहीं आ रहा हमारा प्रपोजल। खैर मैम आप इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें, लेकिन खैर बिया की हालत बहुत ख़राब है, तो शायद अभी बिया थोड़ी देर में चली जाए, बाकी कोई आया भी नहीं हुआ, तो देखते हैं अभी क्या सीन है। जहाँ भी मैंने बोला ना मैम आपको पसंद नहीं आ रहा, बोलो वहाँ पर ढूंढो करके नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। खैर गाइस बिया को फाइनली अब लेने आ गए, जा रही हो? वैसे ये तुम आई क्या थी करने, बस तो शक्ल दिखाने आई थी है? ये चक्कर खा के गिरने आई थी तुम्हारे ब्लॉग में, मैं आ जाऊंगी। लेकिन इतनी बुरी हालत में, खैर गाइस इसके लिए दुआ कीजिएगा ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, कल आ सके। कल फिल्म नहीं चाहिए कोई भी? कल शायद मैं छुट्टी कर। ना 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 ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आना है तुमने, कल तुमने हर हाल में आना है। मुँह तो हाथ तो नीचे करो, हाथ नीचे करो या नीचे करो, चलो ठीक है। नहीं यार मैंने भी आज आके ना फाइनली कटिंग करा लेनी है, आज हर हाल में कटिंग करानी है। चलो मुझे पहुंच के बताना और दवाई शवाई खा लेना रोजे के बाद, अभी खैर तुम्हारा रोजा है तो जाके बिल्कुल सो जाना बेशक। कसम से मेरी हालत इस तरह की हो रही थी, मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं पानी मंगवा के पी लूं, ऐसी हालत हो गई थी। उस दिन तुम कह रही थी ना कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि एक गिलास पानी का हो जाए, है ना? काश खैर जाओ फिर, ओके अल्लाह हाफिज़। खैर गाइस बिया चली गई है और मैं भी जा रहा हूँ घर वापस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो काम शाम भी जो थे वो ख़त्म हो गए हैं, अभी ज़्यादा काम नहीं है, यूनिवर्सिटी में रश भी नहीं इतना, तो अभी घर जा रहे हैं। बाकी का जो व्लॉग है वो घर जा के देखते हैं क्या सीन है, आज इफ्तारी तक आप मेरे साथ रहिएगा। खैर गाइस यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, तो देखते हैं अभी क्या सीन है, टाइम काफ़ी हो गया, मतलब मैं काफ़ी लेट निकला हूँ, सारे चले गए थे लेकिन मैं दोस्त मिल गया था एक, उसके साथ बैठ गया था, तो काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं घर। लेकिन आज घर जाके ये हाय कर दे, मतलब ये ना व्लॉग देखता मेरे ये वाला गार्ड, तो कहता तू बड़ी वीडियो स्टूडियो बना रहा होता है, इस वजह से उसको हाय किया। खैर अगर देख रहे होगे तो यार आपको फिर से हाय। खैर गाइस यूनिवर्सिटी से मैं निकल चुका हूँ, तो अब जा रहे हैं हम घर, क्योंकि देखते हैं घर रफ्तारी का क्या सीन है, शहरी से मिलते हैं जाके। खैर गाइस घर आ गए हूँ और मुझे मिले हैं बिलाल भाई, फुल वेले तरीन गली के, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है। ये शर्म कर यार, बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा तू है, इतना बड़ा हो गया तू है, तो रोजा लगता है ना? क्या घर वेले बैठो रोजा लगता है, इसलिए तो कोई काम काज करो, कुछ करो, घर ही रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। और सुनो आपका चैनल कैसे जा रहा है? इन्होंने भी अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया हुआ है, मुझे काइंडली सब्सक्राइब करें, लिंक में आप लिंक लूंक नहीं नाम बताए आप लिंक लूंक है, बिलाल व्लॉग्स है, लेकिन अभी वो आएगा नहीं साथ में, वो भी बताना वो बिलाल व्लॉग्स आल्टो, बिलाल व्लॉग्स आल्टो VX लिखेंगे, ये लाजमी है मेरा। खैर गाइस अभी ये क्रिकेट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर, देखता हूँ ऊपर जाके क्या सीन अफ्तारी के, क्योंकि भूख बहुत लग रही। फिर लाश आदमी फिर सोई हुई आज, फिर
ओए कुछ कर ले शरी, होश कर होश कर। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आया हूं, 2 बजे घर आया हूं और आके सोया भी नहीं। तो अभी तो क्या कर रहा था तबसे? हैं तंग नमाज पढ़ी है, तंग ना कर भी। उठ यार शरी, मेरी कसम से भूख बड़ी लगी है, कुछ खिला आज इफ्तारी में। आज मैं चाह रहा हूं कि आज मैं चाह रहा हूँ कि तू मुझे आज इफ्तारी में कुछ बना के खिलाए अपने प्यारे प्यारे मदनी हाथों से। ये देख रहा हूँ कितनी प्यास लगी है। क्या दिखा आज फिर जुबान खोली जा रही है? जुबान खोलने वाला क्या कॉन्सेप्ट है जरा मुझे आप कमेंट में बताएं, इससे क्या पता चलता है? जुबान आपकी वाइट हो ना आपको पता दिखा दिखा आपको पता चलता है कितना रोज़ है आपका। तो वो तू पानी नहीं पिएगा, वो वाइट हो जाएगी। तो इसलिए तो कह रहा, क्या पता तू खा रहा हो पानी ना पी रहा हो, ऐसा हो सकता है ना? वैसे ऐसा नहीं हो सकता भाई जान, अल्लाह ताला देख रहे। उठ जा टाइम। नमाज पढ़ी है? नमाज मैंने सारी पढ़ ली है। मैंने नहीं पढ़ी यार, कोई कजा नहीं की। चलो अच्छी बात है। खैर गाइस मैं भी घर आ गया हूं, इस लाश को उठाते हैं, देखते हैं इसको, कहता हूं कुछ इफ्तारी के लिए लेके आए क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही है मुझे भी। अब आके ना रोजा लगने लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं क्या सीन अब आगे का। चलो शरी, कौन सा मास्क पहनना शुरू कर दिया तूने भाई? घर में कोई मेहमान भी आए होते हैं, कौन सा मास्क पहना? तारा वो थी मास्क शरी, मेरा तो भाई नहीं। शरी कह रहा है रोजा में पागल तो नहीं हो गया? ओ भाई मेरा नहीं है ये, कोई मेहमान। ये तेरी साइड टेबल पे मिला तारे मोतियों वाला मास्क? पहली तरह एक सेकेंड पैसे। तो जी ये देखें, ये मुझे तो ऐसे बातें करता है, आके ऐसे हिला हिला के उठाता अपना, पता नहीं भाई रोजा नहीं खोलना। ये देखें जी टाइम 6:27 हो गए और मॉल भी 1 मिनट बाद अजान देने लगा है और ये आते ही सो गया। क्या ओए चले सोया कहूँ, बस आंख लगी हल्की सी। ये आंख लगी है हल्की सी? अच्छा भला तू सोया पर है? नहीं नहीं मैं उठ गया हूँ। क्या इफ्तारी में आज बोल कुछ उठो, मैं बताता हूँ क्या क्या है। एक तो ये देखो ना, एक तो ये हो गया। समोसा खाना है? समोसा नहीं खाना, नहीं खाना। कचौड़ी? ओ यार मैं अभी तो सोया, आंख लगी। कचौड़ी खानी है? कचौड़ी नहीं खानी। खैर गाइस मेरी हल्की सी आंख लगी थी। तो आज हमारे पास इफ्तारी में क्या है, दही बल्ले हैं और ये 4-5 समोसे हैं और वो खजूर हैं। इफ्तारी में खुद काम करता हूँ क्योंकि मतलब खाना खाते हैं सीधा, इसके बाद ना इफ्तारी वाला सीन ही नहीं रखा हुआ। तो अब ये खाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। मैं तो खाली पानी पीऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। खुल गया शरीर रोजा? चल आ जा खुल पर। रोजा मेरा और सिर्फ शादी का था। मामा का रोजा है? मेरा और शादी का रोजा था, अभी रोजा खोलने कह रहा था। तू भी अभी एक और चीज, बिरयानी भी बनी हुई है। अल्लाह की कसम खा। हाँ जी वो मम्मा ने बनाई है तय वाली। अल्लाह की कसम, कसम खा, कसम से मतलब आज तो मेरी ईद है भाई, बिरयानी बनी हुई है। खैर ये खाने मिलते हैं अब आपको खाना खाने के बाद। हाँ तो भाई आज आपके भाई ने नींद पूरी की है, मतलब मैं इफ्तारी करने के बाद फिर सो गया था, अभी उठा हूँ। तो मैंने कहा यार व्लॉग की तो एंडिंग ही नहीं की हुई, तो मैंने कहा चलो व्लॉग की एंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।